मैं अनुभा, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल, जो बच्चों को और बड़े लोगों को सभी को बहुत पसंद आता है। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू, 5 ब्रेड स्लाइस, 1 छोटी साइज प्याज कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती हरी धनिया, 1 बड़ा चम्मच अदरक किसा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, आधे छोटे चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 बाउल भर के तेल। सबसे पहले हम आलू को स्मैश कर लेते हैं एक बाउल में। आलू स्मैश करने के बाद हम गैस ऑन कर देंगे। गरम हो गई है, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डालेंगे। ये देखिए मैंने तीनों आलू को स्मैश करके रख लिया है। तेल गरम होने पर सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें किसा हुआ अदरक। डालेंगे इसमें 1 छोटी कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, तो हम सौते करेंगे। इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। जब हमारी प्याज ब्राउन कलर की होने लगेगी तब हम इस पे हल्दी और दूसरी आलू बॉईल किए हुए आलू डालेंगे। प्याज हमारी अब ब्राउन कलर की हो गई है, अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी के बाद हम ये स्मैश किए हुए आलू डाल देंगे। ये ब्रेड रोल की स्टफिंग है, आलू की स्टफिंग टैटर की। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। एक छोटा चम्मच भर के इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, जो हमने एक चम्मच छोटा चम्मच भर के लिया है। यदि आपको आपके घर में फ्रोजन मटर है तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। फ्रोजन मटर से ब्रेड रोल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने एक छोटे बाउल भर के फ्रोजन मटर डाली है। अब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि फ्रोजन मटर भी करीब करीब पकी हुई रहती है और जब हम ब्रेड रोल डालेंगे तो भी वो और पक जाएंगे। आलू हमारे पहले से ही पके हुए हैं। स्टफिंग, आलू की स्टफिंग ब्रेड रोल के लिए तैयार हो गई। अब इसमें हम इसको ऊपर से इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद करके। ये देखिए हमारी आलू की स्टफिंग तैयार हो गई। इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है और इसको करीब 5 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है। ये लो फ्लेम पे कढ़ाई कर देंगे और इसमें ऑयल डालेंगे, जो हमने एक बाउल ऑयल लिया है। ये फ्राई करने के लिए है ब्रेड रोल को, इसको हम इसमें डालेंगे। कढ़ाई में हमने जो तेल लिया है इसको हम लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि धीरे धीरे वो गर्म होता रहे। तब तक हम ब्रेड रोल के लिए ब्रेड को कटिंग करेंगे। ब्रेड के जो साइड हैं, जो ब्राउन है डार्क ब्राउन, उनको हमको काट के अलग कर देना है। इस देखिए इस तरह देखिए
देखिए मैंने साइड के जो ब्राउन वाले कवर है उनको काट के अलग कर दिया। अब हम इसको ब्रेड को पानी में डालेंगे। ब्रेड को बस पानी में डुबाना है और इसको ऐसे करके निकाल देना और इसको ऐसे सॉफ्टली ऐसे प्रेस करना है जिससे ब्रेड पानी में भीग जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इससे ब्रेड रोल बनाएंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा स्टफिंग लेना है। स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम एक हाथ से ऐसे राउंड बनाएंगे, करीब छोटे सी गोली, बहुत बड़ी नहीं, और इसको इस तरह से रख के हम इसको पूरे गीली वाली जो ब्रेड है हमारी जिसमें से हमने पानी निकाल दिया है दबा के उससे हमें ऐसे इसको कवर करना है। ये देखिए हमारा ब्रेड रोल कवर हो गया है। अब ये देखिए अब इसको इसको इस तरह से राउंड शेप में बनाना है। हल्के हाथ से दबाते हुए आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस से ये बहुत जल्दी अच्छे से बनने लगता है। ये देखिए ओवल शेप का ब्रेड रोल रेडी। इस तरह से हम पांचों ब्रेड स्लाइस की ब्रेड रोल तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह प्लेट पे पहले से ही पांचों ब्रेड स्लाइस से पांच ब्रेड रोल प्रिपेयर तैयार करके रख लिए हैं। देखिए अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये जो बने हुए ब्रेड रोल हैं इनको डालेंगे, इनको फ्राई करेंगे। शुरू में आंच अच्छी तरह से फ्लेम अच्छे तेज होना चाहिए, बाद में हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इनको हम धीरे धीरे पलटते रहेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमको फ्राई करना है। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है धीरे। अभी हमने फ्लेम को धीमा कर लिया है, स्लो कर लिया है, ताकि हमारे ब्रेड रोल काफी क्रिस्पी बनेंगे स्लो फ्लेम पे। बीच में आप यदि फ्लेम काफी धीमी लग रही है तो थोड़ा सा मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही ज्यादा फ्राई करने से ठीक रहेगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे फिर वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। स्लो फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे हमारे ब्रेड रोल क्रिस्पी आते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है हमारे ब्रेड रोल्स का। देखिए हमारे ब्रेड रोल एकदम ब्राउन से कलर के हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी लग रहे हैं। अब हम इनको एक प्लेट पे निकाल देंगे। देखिए हमारे ब्रेड रोल कितने तरह से गोल्डन कलर के हो गए हैं। हमको हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकालेंगे जिससे कि ये एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इस पर सूख जाए बचे हुए दोनों ब्रेड रोल को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये देखिए हमारे दोनों बचे हुए दोनों ब्रेड रोल भी फ्राई हो गए। जो मैंने जितना स्टफिंग का मटेरियल लिया था उस उतने मटेरियल से यानी तीन बड़े आलू से हमारे 10 से 12 तक ब्रेड रोल तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारे ब्रेड रोल पांचों क्रिस्पी ब्रेड रोल तैयार हैं। अब आप इन्हें ये सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए और इनका मजा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।